फिर खोगेगा अरे फेंक कर दिया चिपका चिपकी कर निपटा दो चिपका चिपकी काना की बांसुरी को चिपका चिपकी करके भेजते हैं ये नहीं होगा हमसे ए सिराज ए रुक ना पागल ए अरे मेरी बात तो सुन अरे छोड़ो है अरे सुन तो अरे बकवास करते हो मेरी बस तो नाराज का है हो रहे यार अभी धंधा करना उतना आसान नहीं रहा तुम खुद सोचो ना देखो पहले तो बांस आ जाता था रेल से और आज आज क्या कर रहे हैं उधड़ी रेल की पटरी पर चल रहे हैं हम सड़क के रास्ते आते आते माल कुछ तो फट जाएगा ना बांस अब इतना ही बोल रहे हैं ना हम तुमको कि चिपका दो गलत बोल रहे हैं कुछ कर हल तुम कब तक खाली पेटी मान पालो काय हरिश्चंद्र बन रहे इतना एक बात बोले फिलहाल तुम तो अच्छे निकल लिए भैया तुम्हारे बाबा को वो आदमखोर शेर क्या खा गया तुमको मुआवजा मिल गया तुम लोगों की तो जिंदगी बन गई तुमने लड़की की शादी करवा दी है लड़के का नौकरी लगवा दी है अब तो कोई काम बचा नहीं ना तुम्हारा सब हो गया ना हमारी क्या हालत है हमसे पूछो अब क्या है कि उमरान की नौकरी नहीं लगी है और वो सुपरवाइजर को 25,000 रुपये जब तक नहीं दिए तब तक शुगर मिल के पास भी फटकने नहीं दे रहा नौकरी कैसे लगेगी अच्छा 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 तू टेंशन मत ले मैं आज ही ऑर्गेनाइजर से बात करूँ अरे हाँ यार वो अगर इस बार हमारा मेले में स्टॉल नहीं लगाना तो हालत खराब हो जाएगी हमारी कब बात करोगे कर रहे आज ही बात अब तुमको बोले थे ना आज बात कर लेंगे ना भूलना मत यार जरूरी है बहुत वैसे अब्बा है? कुछ कुछ नहीं कुछ मैं आज ही बात करता हूँ अपना स्टॉल लगाने का तैयारी शुरू कर ठीक है बताना हमें है हाँ चलो तेरा एकम तेरा तेरा जन छब्बीस तेरा तिया उनतालीस तेरा चौको बावन तेरा पंचे पैंसठ क्या दिन भैया दिन भर कंचेबाजी करते रहते हो तुम बावन तेरा उमरान ये अब्बू इसको बिठाओ अपने साथ पढ़ाई करवाओ नहीं नहीं अब्बा आदिल ना खुद पढ़ेगा ना मुझे पढ़ने देगा पता चला हम एग्जाम में फेल हो गए नकल कर लेना एक बेहुदा बात की ना एक तमाचा रख के देंगे तुम्हें चलो बैठो वहाँ नकल की बात करते हैं अरे 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 आदिल मियां कहाँ जा रहे हो बैठो आदिल मियां बैठो बैठो जानते हो सैकड़ों साल पहले जंगल में बंजारे रहते थे और उसी जंगल में एक हुंकार आदमखोर शेर रहता था जो लोगों के ऊपर चपट कर उन्हें खा जाता था एक समझदार आदमी उन लोगों को बचाने के लिए गांव के चारों तरफ पीली मिट्टी की दीवार बनाई ऐसी वाली दीवार बिल्कुल ऐसी वाली दीवार फिर उसने लोगों से कहा गांव वालों ये पीली भीत है लेकिन पीली भीत में तो हम रहते हैं उसी से तो नाम पड़ा है फिर क्या हुआ फिर उसने ऐलान किया ये पीली भीत देख रहे हो ना जो इसे पार करेगा शेर उसे ले जाएगा इसलिए इसे कभी पार मत करना ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी एक पीली भीत है जो सही और गलत का फर्क हमें बताता है अबू देखो ना उमरान भाईजान क्या बोल रहे हैं शुगर मिल में नौकरी लगने के बाद हमको नहीं पढ़ाएंगे किसने कहा नहीं पढ़ाएंगे अभी हमारी नौकरी लगने में 10 दिन बाकी है ना
नौकरी लग जाए फिर तुम्हारे लिए बरेली से हम मास्टर जी मंगवाएंगे। अरे बिलाल क्या हाल है, खुशखबरी लाए हो ना? अरे अम्मा एक मिनट, हम बात कर लें पहले। भाई अच्छा आ गए तुम यार, हम वो सोच ही रहे थे तुम्हारे बारे में। ये बताओ तुम कि वो मेले में स्टॉल कब लगना है यार, हमने डबल टीम काम करके आधे से ज़्यादा माल तैयार कर दिया भाई। यार सिराज मेला कैंसिल हो गया यार, ऑर्गेनाइजर बोल रहा है इस साल नहीं लगेगा। भाई मैं बाद में मिलता हूँ यार। क्या हुआ सिराज, क्या बोला बिलाल, मेला तो लग रहा है ना? हाँ वो हाँ लग रहा है ना, वो थोड़े दिन बाद लगेगा। कुछ परेशानी है तो बता हमें। कोई परेशानी नहीं है अम्मा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो मौका देखकर हमें दरगाह ले चल। अरे नहीं जाना है दरगाह वरगाह। न कुछ बोलता है न बताता है, सारा बोझ अपने दिल पर लेकर बैठा रहता है। दादी हमारी नौकरी तो लग जाएगी ना दादी? अरे हाँ जरूर लग जाएगी, तेरा अब्बू अगर ना लगवाए तो हम लगवा देंगे ना। हाँ जरूर लगेगी, क्यों नहीं? समझ में नहीं आता उमरान की नौकरी कैसे लगेगी, सब जगह हाथ पांव फैला लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। यार मुआवजे में से पैसे बचे होते हैं ना, खुदा कसम सामने से तुम्हारे सामने ला के रख दूं। मालूम है यार फिजूल बातें बहुत करते हो, लेकिन इतना पता है कि हमारी दोस्ती पे ये सब तो कुर्बान कर ही सकते हो तुम। कुर्बानी भी बड़ी पेचीदा चीज है, अब्बा की कुर्बानी से हम सबकी जिंदगी सवर गई। साला समझ नहीं आता इस बात की खुशी मनाऊं या गम। तुम्हारे अब्बा के जाने से सबका ही भला हुआ है, चचा जान वैसे भी बूढ़े ही हो गए थे, उनके मुआवजे से सब सही चल रहा है ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो बेकार में? अब्बा कुर्बान ना हो गए, मैंने उन्हें कुर्बान किया। देख भाई तेरी अम्मा भी बूढ़ी है, अगर तू चाहे तो बता रहा है कि सर में काफी गहरी चोट लगी, समझ रहे हो ना? हाँ वो खतरा है क्या कुछ? हाँ कल शाम तक ऑपरेशन करना होगा वरना जान का खतरा हो सकता है। अच्छा तो कितने पैसे लग जाएंगे ऑपरेशन के लिए? यही करीब 70-80 हज़ार के आसपास लगेगा। तुम ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आओ, हॉस्पिटल की फार्मेसी में सब मिल जाएगा। अबे पूरे पैसे तो देते दवाई के,
नहीं भैया, वो डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाई जल्दी ले आओ, तो मैं बस दवाई दे के और आपके पैसे लेकर आता हूँ। साले छोड़ दवाई, छोड़, पहले पूरे पैसे लेकर के आ, फिर ले जा दवाई। चल नहीं भैया, बात सुन। हाँ बात सुन लो भैया, बात पत्नी जान का सवाल है तो अभी घर दवाई दे के वापस आ रहे थे। अबे तो मुफ्त में दे दूं तुझे दवाई? मुफ्त में कौन मांग रहा? मेरे बच्चे भूखे मरे क्या? चल नहीं नहीं, मुफ्त में कौन? मेरी बात तो सुनो भैया, हम कोई ऐसे भाग थोड़ी जाएंगे। बोल तो रहे बच्चा एडमिट है तो उसको लेके तो भाग नहीं जाएंगे। बच्चा पालने की औकात नहीं तो बच्चा पैदा क्यों किया? ये हॉस्पिटल यहाँ मारपीट नहीं चलेगी? सब बच्चा बुला दे रहे हैं। आज रात आपका लड़का यहाँ रुकेगा, कल सुबह आप पैसे का इंतजाम करके आइएगा। अभी जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो। मेरे बच्चे में 1000 रुपए। हाँ लो 1000, ये पूरा 1000 रुपए ना। जाओ भाई जाओ, माफ कर दो। पैसा, कोई आदमी मर जाए तो इनको पैसा दे दो पहले। मरता है तो मर जाए, कल का मरता है आज मर जाए। अरे तुम क्या कर रही है? आदिल कहाँ है? सब दिन उनको स्कूल लेने गए तो पता चला कैसा भी वो। हाँ वो ठीक है, वो सो रहा है अंदर, डॉक्टर आने नहीं देंगे तुमको मिलने नहीं देंगे। डरने की कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर क्या बोला इलाज के लिए? कुछ पैसे? कुछ नहीं चाहिए अम्मा, हम सब संभाल लेंगे ना, हम है ना यहाँ पे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इधर। चलो चलो जाओ घर जाओ। एक बार मिल लेते हैं ना। चित मत करो, इधर कोई रुक नहीं सकता। उमरान है ना आदिल के साथ, और डॉक्टर बोल रहा है। अरे यार तुम क्यों बीच में बोल रहे हो यार, वो क्या कर लेंगे? चलो हम घर में आके समझाएंगे। अरे बात समझो, हम समझा देंगे। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। उमरान है, डॉक्टर है। बोल यार सुराज, मैं तो दे देंगे तुम्हारे पैसे हम। अब हम कब देखेंगे आदिल को? वो कल घर आ जाएगा ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना दादी? कहीं आदिल अम्मी की तरह मर तो नहीं जाएगा? अब्बू को ना खाला से मिलने जाना था, सुबह 4 बजे उठ के बैठ गए। मैंने कहा अब्बू मैं ले चलता हूँ, चलो। बीच रास्ते में चक्कर आ गया था उनको, मैंने ना उनकी चाय में नशे की दवाई डाल दी थी। अपने कंधे पर उठाने पर ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, भुखमरी भुखमरी मांस खा गई थी ना उनका। जंगल में शिकार होने पर पैसे नहीं मिलते ना, इसलिए उनकी लाश को खेत में लाके डाल दिया। अगले दिन सरकारी विभाग में जाकर मुआवजे की अर्जी दे दी। अर्जी मंजूर होते ही साहूकार ने पैसे दे दिए। मैंने नशे की दवाई दी थी अब्बू को,
हम सब ठीक। सो जाओ अम्मा, सो जाओ। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा बेटा। जल्दी से जाकर वापस आ जाते हैं, अस्पताल भी तो जाना है। तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। अबू क्या हुआ? अबू क्या हुआ? अबू खून कैसा? दादी कहाँ है अबू? और ये चोट आपको कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अस्पताल में क्यों नहीं हो? चलो तुम अस्पताल जाओ, मैं पैसे का इंतजाम। दादी ने पैसे जमा करा दिए अबू, आपको नहीं पता? आपने कल अस्पताल से हमें भेज दिया था, लेकिन दादी से नहीं रहा गया, हम वापस अस्पताल गए थे। हाँ अबू, और फिर दादी ने डॉक्टर से बात की अबू, घर से लाकर दादी ने सारे पैसे जमा करवा दिए, ये बाकी के बचे हुए। अबू दादी ने बोला कि इन बचे हुए पैसों से अबू तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। अबू क्या हुआ? अबू बताइए तो क्या हुआ, सुनिए तो। अबू दादी कहाँ है? सुनिए अबू।